चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर। तो हरियाणा सरकार की होगी अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। सीएम की मौजूदगी में मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होगी मंत्रियों की बैठक, हरियाणा सचिवालय में कमेटी रूम में बैठक होने जा रही है। केंद्रीय परियोजनाओं की प्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी चीफ सेक्रेटरी, कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर होगी प्रेजेंटेशन, कई सरकारी परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी। दोपहर बाद सीएम आवास पर भी अहम बैठक होगी, तो शाम को मंत्रियों संग भी होगी अनौपचारिक बैठक। फिलहाल बैठकों का दौर जो आज पूरे दिन रहने वाला है चंडीगढ़ में मनोहर मंथन, और ये पूरे दिन आपको बता दें ये महा जो मंथन है वो चलेगा। हरियाणा सरकार की अहम बैठक होने जा रही है, सीएम की मौजूदगी में आज मंत्रियों की बैठक होने वाली है, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रियों की बैठक जो है वो शुरू होगी, और बताया जा रहा है कि हरियाणा सचिवालय की कमेटी रूम में बैठक होगी। जानकारी ये कि केंद्रीय परियोजनाओं की प्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी, कई सरकारी परियोजनाओं पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो शाम को मंत्रियों संग भी अनौपचारिक बैठक होगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज पूरे दिन जो है चंडीगढ़ में बैठकों का दौर रहेगा? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिनभर चंडीगढ़ में कई बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सुबह सबसे पहले 11 बजे पहली बैठक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में चौथी मंजिल पर कमेटी रूम में एक बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हरियाणा के तमाम मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से केंद्र और प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। दरअसल 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिन योजनाओं पर चर्चा की गई थी उन योजनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, और वो प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में मुख्य सचिव अपनी रखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ स्थित उनका जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर एक बैठक 3 बजे होगी, उसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे, यानी विधायकों के लिए भी समय तय किया गया है। अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री से किसी विषय पर बातचीत करने के लिए मिलना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय रिजर्व रखा गया है। जी बिल्कुल, और प्रयास पवन यहाँ पर ये किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा तमाम जो ऑनगोइंग योजनाएं हैं उनमें कहीं से भी हिलावाली ना की जाए और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और यही वजह है कि पूरी मॉनिटरिंग जो है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो संयुक्त परियोजनाएं रहती है उन योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण ये आज बैठक 11 बजे होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को उन परियोजनाओं का जो वो खाका रखेंगे, और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कौन कौन सी परियोजनाएं किस स्तर पर है, कहां पर कौन सा काम चल रहा है, किस काम में देरी हो रही है, यानी एक पूरा खाका जो है वो परियोजनाओं को लेकर रखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री और मंत्रियों की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारियों के साथ 11 बजे होनी तय हुई। पवन, एक अनौपचारिक बैठक भी शाम को होगी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की, और उसमें क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, एक अनौपचारिक बैठक भी मुख्यमंत्री ने आज शाम को करीब 5 बजे जो है वो अपने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर बुलाई है, जिसमें जो जो मंत्री चंडीगढ़ में मौजूद हैं वो मंत्री पहुंचेंगे, यानी ये अनौपचारिक बैठक है। और इस बैठक में आगामी जो रणनीति है, चाहे वो 29 जनवरी की गोहाना में होने वाली रैली है या अन्य जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। बने रहिए पवन आप हमारे साथ, इस बीच ये जानकारी आपको दे रहे हैं पूरे दिन बैठकों का दौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चलने वाला है, उसकी भी तमाम